सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम लर्नो अड्डा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री पेपर डीपली में, और ये है सेट नंबर थ्री के लिए। तो जिनका भी सेट नंबर थ्री है, क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री पेपर हम जा रहे हैं पूरा डिस्कस करने के लिए। तो केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी ईजी आया था, मीन्स जिसने प्रिपरेशन की थी उनके लिए ईजी, जिसने नहीं पढ़ाई की थी उसके लिए हार्ड। तो सेक्शन ए आपका बोलता है कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ को अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको आप लोग लगाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 3 1, यानी कि इसको मान लिया हूँ 1, इसको 2, इसको 3। तो आप लोग इस तरह इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 3 1। फिर इसका 1 2 3 मान लिया हूँ, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 1 2, यानी C6H5NH2। फिर आ जाएगा आपका C2H5 2NH, फिर आ जाएगा C2H5NH2। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर PKB वैल्यूज, यानी अमाइन चैप्टर से है, तो यहाँ पे C2H5NH2 पहले आएगा, फिर NH3 आएगा, फिर C6H5NH2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इजी है। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऊपर दिया है, कॉन्सेंट्रेशन नीचे दिया है स्क्वायर रूट में। तो पूछा है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेसिक है, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है ये, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। व्हाट हैपेंस ऑन एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ डेल्टा एम, मतलब कि यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और टू कंसेंट्रेशन अप्रोचिंग जीरो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जब अप्रोच करेगा लिमिटिंग, यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेशन मतलब कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगा जब अप्रोच करता है मोलर कंडक्टिविटी, जब अप्रोच करता है जीरो की तरफ, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको कहा जाता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइंड फॉर एक्स, एक्स के लिए डिटरमाइन हो जाएगी, बट हम लोग वाई के लिए डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एक्स जो मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, और फिर ऑर्डर हम डिटरमाइन कर लेंगे, बट मॉलिक्युलरिटी वी कैन नॉट डिटरमाइन फॉर दिस। ओके, तो जिनका सेट दूसरा भी है वो भी देख सकते हैं, बस खाली जिसका सेट 1 2 है वो भी देख सकते हैं, बस इसमें क्या चेंजेस है, खाली चेंजेस इसमें क्या है कि क्वेश्चंस में चेंजेस हैं, आगे पीछे कर दिया है, एक दो क्वेश्चन चेंज कर दिया है, बाकी सारे क्वेश्चंस सेम है। तो आप लोग भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। सेक्शन बी में पूछा गया है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन जो होता है इसमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, ये आपका स्पेसिफिक इन नेचर, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये आपका फिजिक्स ऑप्शन मल्टी मॉलिकुलर, ये यूनि मॉलिकुलर, फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, केमिस्ट्री ऑप्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। 4-5 डिफरेंसेस तो मैंने इसी तरह बता दिया। फिर बोला कि यहाँ पे डिफाइन कीजिए इन सभी टर्म्स को विद अ सूटेबल एग्जांपल। तो लायोफिलिक सोल क्या होता है, लिक्विड लविंग होता है, स्टेबल होता है, इसका एग्जांपल गिलाटिन स्टार्च हो गया। मैक्रोमोलिक्यूल का हो गया कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल हो गया सेलुलोज नायलॉन, सेलुलोज इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल एंड इट इज सिंथेटिक, नायलॉन सिंथेटिक का एग्जांपल हो गया। कोगुलेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म करना कोगुलेशन कहते हैं, और फिर फेरिक ऑक्साइड प्लस अर्सेनियम सल्फाइड को जब मिलाते हैं तो म्यूचुअल कोगुलेशन यहाँ पर मिलता है, जो कि इसका एग्जांपल हो गया। अब गैब्रियल पैथलामाइड सिंथेटिस कार्बोलामाइन और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके बुक में क्लियरली मेंशन करके दिया गया है, सब कुछ है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आ गया गैब्रियल पैथलामाइड सिंथेटिस, आपका पूरा यहाँ पर रिएक्शन दिया है कि पैथलामाइड कैसे केएच के साथ रिएक्ट करता है, फिर एरोस के साथ, फिर यहाँ पे NOH के साथ, फिर लास्ट में आपका 1 डिग्री अमाइन कैसे बन जाता है, और फिर ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कैसे दिया है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा रिएक्शन को क्लियरली रखा हुआ है, जो कि काफ़ी इजी था। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं अपने आगे देख रखा है आपका चैप्टर में, ये कहाँ गया, यहाँ पे आ गया कार्बोलामाइन रिएक्शन, कार्बिलेमाइन रिएक्शन जो कि यहाँ पे दिख रखा है, RNH2CHCl3KOH हीट RNC फिर KCl H2O। ठीक, तो आपका कार्बिलेमाइन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये आपके बुक में ही दिख रखा था, जो कि काफ़ी इजी था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए इजी होगा, नहीं पढ़ा तो कहाँ से इजी होगा कि नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या दिया था, तो CH3CH2Cl के लिए क्या होगा, KCN दिया है। तो जब A का प्रोडक्ट फॉर्म होगा सीधा आपका CH3CH2Cn आ जाएगा, मतलब Cl हटा के Cn लगा देना है, Cl हटा के Cn लगा देना है। और फिर यहाँ पे आपका फिर बोला कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा देना है, तो क्या होगा CH3CH2CH2NH2 फॉर्म होगा, और फिर NHNO2 जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे C क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, CH3CH2 और फिर H2OH बन जाएगा आपका। ठीक, और फिर इसमें सेकंड वाले क्या है, यहाँ पे एसिटिक एसिड है, CH3COH NH3 से रिएक्ट करेगा तो CH3CO NH2 बन जाएगा, और फिर
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O के साथ यहाँ पे जब प्रेजेंट होगा तो B क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 NH2। और फिर ये क्या है, ये आपका हाइजनबर्ग, मतलब हाइजनबर्ग आपका रिएजेंट है हाइजनबर्ग का। तो इसके साथ क्या करते हैं कि इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, CH3 CH2 NH2 को इससे कर लेते हैं, NH2 को यहाँ कर देते हैं, C2H5 कर देते हैं यहाँ पे, और प्लस ये आपका आ जाएगा C6H5SO2Cl आ गया आपका, ये इस तरफ होगा और लास्ट में आपका इस तरफ होगा ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे SO डबल बॉन्ड O के साथ S के साथ और NH, जो यहाँ पे ये H है H को हटा देंगे, H को हटा के जितना पार्ट है ये वाला पूरा, ये पूरा वाला पार्ट यहाँ पे Cl हटा के HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ का H और ये Cl बाहर निकल जाएगा और ये वाला पूरा पार्ट हम लोग क्या करेंगे इसे S से अटैच कर देंगे। देखिए NH C2H5 और HCl बाहर निकल जाएगा, ये Cl और H बाहर निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला थोड़ा सा टिपिकल था, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे 3-ऑक्सोपेंटेनॉन बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 CH2, यहाँ पे 3 2 5, फिर 3 2 5 10 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया जो कि दिया है यहाँ पे C5H10O। तो यहाँ पे हमने बना दिया इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद आप लोग रिएक्ट करवाइए 2,4-DNP रिएक्ट के साथ और फिर यहाँ पे I2NOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाइए, तो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल जाएगा क्या होगा क्या नहीं। यहाँ दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन D4 आयन एंड डेल्टा नॉट इज लेस देन P, तो यहाँ पे T2G3Eg1 होगा, ठीक ये आपका बनेगा क्रिस्टल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इस तरह होगा, है कि नहीं। और फिर यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और मैग्नेटिक करेक्टर डायमैग्नेटिक बनेगा, सॉल्व करने के बाद आया है, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि फिर ये डाइक्लोराइडो 20-ethane-1-2-diamine-cobalt-3 कैसे बनेगा, तो COCl2 EN2 और Cl एक बाहर निकल जाएगा, ये आपका बन जाएगा डाइक्लोराइडो 20-ethane-1-2-diamine-cobalt। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे पूछा गया है इसका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा Ni H2O6 Cl2, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, यानी Cl के साथ Ag मिलेगा और फिर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी 2 Cl बाहर निकल गया है प्रेसिपिटेट हो गया, तो Ni6H2O बचा तो इस तरफ बनेगा और 2 Cl2 बाहर निकल गया है कि नहीं, क्योंकि प्रेसिपिटेट हो गया, तो ये बनेगा आपका पूरा फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Ni का सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू किसकी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू यहाँ पे लीगेंड के नंबर ऑफ लीगेंड्स, तो नंबर ऑफ लीगेंड्स 6 हो गया। यहाँ पे अभी इसी नियम करना है इसका कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे हेक्सा एक्वा निकल सेकेंड क्लोरेट बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे पूछते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है JR और HF हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस, क्यों, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज 2 differences ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें N-1D एंड NS होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जिंक हैज लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड द कंपाउंड्स इट इज अ गुड कैटलिस्ट बिकॉज एबिलिटी टू स्टोर द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और फिर यहाँ पे दिया एग्जांपल के साथ बताइए कैसे होगा, वैनेडियम का +2+3+4+5, मैंगनीज का +2+3+4+5+6+7, और फिर वहीं पे पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए लिया जाए जो कि नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के से ट्रांजिशन मेटल्स और नॉन ट्रांजिशन मेटल्स से कंपेयर करना था, तो यहाँ पे दोनों में ट्रांजिशन मेटल्स हो गए। अब नॉन ट्रांजिशन मेटल क्या है, पी ब्लॉक का 18 हो गया, तो इसे डिफर बाय टू यूनिट्स मतलब कि दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, H2+2 H2+4, बस यही आपको करके दिखाना था, 3 नंबर मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी देख रखा है मेरा -300 kJ/mol, और फिर आपको यहाँ पे ई सेल की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है -NF E0 सेल, ΔG0=-NF E0 सेल, तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो N=2, N की वैल्यू रखो, F की वैल्यू आपको देके रखी है, E0 सेल आपको निकालना है, ΔG0 देके रखा हुआ है आपका, और आंसर इजीली आ जाएगा। यहाँ पे आपको निकालना है कोलराउस लगा लगा के, तो यहाँ पे λm0 जो है =106, इसको ऐड कर देंगे और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 76.3 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl2 है, तो ट्वाइस ऑफ 76.3 कर देंगे, 258.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं,
तो यहाँ पे मुझे इन दोनों का अभी आंसर श्योर नहीं है, तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, बट इसका आंसर श्योर है कलरलेस इन इक्वेशन सोल्यूशन। तो क्या होगा यहाँ पे, जेड एन पॉजिटिव होगा, जेड एन टू पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यहाँ पे जब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा, और जब स्टैटिक स्टेट में नहीं जाएगा तो स्टैटिक स्टेट से कैसे ग्राउंड स्टेट में आएगा, और कैसे लाइट इमिट करेगा, लाइट इमिट नहीं करेगा तो कलर नहीं फॉर्म होगा, तो इसलिए कलरलेस है। और दूसरी यहाँ पे क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स से बोला गया है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑफ 90% रिएक्शन। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको सिंपल सा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन आपका यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन जो बन के आएगा जो भी कंप्लीट होने के बाद। तो 50% में आपका जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन 100, और 50% दिया है तो 50% 100 में से 50 माइनस कर दोगे तो 50 बचेगा, और 90% के लिए ए नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 होगा हमेशा के लिए, और 90 हो गया तो 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 बचा, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 10 हो गया। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रखो, वैल्यू निकाल लो, है कि नहीं, पहले के निकाल लोगे फिर जब के निकल जाएगा तो टी को इधर कर दोगे जिस वाले में रख के, यहाँ पे आप टी निकाल लोगे टाइम। अब ये आपको रीड करना था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देख रखा था काफ़ी कुछ, तो आपको रीड करना था ये, तो रीड करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका आंसर कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, तो आंसर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन यही है हमारा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है 12 मिनट के साथ। तो यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले ये आपका यहाँ पे आएगा C6H5CO CH3, फिर उससे बड़ा CH3CO CH3, फिर उससे बड़ा CH3CHO, फिर उससे बड़ा CHCHO, ठीक ना, इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर ये आपका हो गया। अब सिंपल टेस्ट देना था डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल, ये आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, कीटोन के बीच में और एल्डिहाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है किसकी वजह से वो डिस्टिंग्विश करते हैं केमिकल टेस्ट से, फिलिन टेस्ट और टोलिन टेस्ट। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ एन OH ग्रुप, ठीक ना, OH ग्रुप के ऑक्सीजन एटम पे लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस वजह से नहीं शो कर पड़ता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। वाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक इन नेचर, अल्फा हाइड्रोजन जब अल्फा एच हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारा जो कंजुगेट बेस बनता है वो स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है, इस वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एसिडिक होता है, समझे कि नहीं। अब ये आगे हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन का पार्ट दिख रखा है आपका, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है कि आप एक का आपका एक अल्कोहल बनता है और आपका एक जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, तो यहाँ पे बेंजील बेंजोइल बनेगा यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे आपका बन जाएगा COONA बन जाएगा, रिंग पे लग जाएगा, ठीक। और मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देख रखा हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा CH2CH3 को हटा के यहाँ पे COOH कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा यहाँ पे बेंजोइक एसिड, और फिर यहाँ पे बेंजोइक क्लोराइड देख रखा हुआ है जो कि रोजनमुंड रिएक्शन है, और फिर यहाँ पे आपका बेंज एल्डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, 13 मिनट की वीडियो हो गई है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई बट पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है क्लियरली, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर का रिव्यू जो था अच्छा लगा होगा, आंसर्स आपको सही बताया हूँ मैं, अब कहीं पर गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बी हेल्दी बी सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स।